दिल्ली के चुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी दल के रूप में उभरी है, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने धमाकेदार जीत दर्ज की है। कांग्रेस की इन चुनाव में करारी हार हुई है। अगर हम दिल्ली के दक्षिणी क्षेत्र का जायजा लें तो यहां कुल 16 सीटों में से भाजपा को 12 सीटें मिली हैं और उसे 2008 के चुनाव से 7 सीटों की बढ़त है। वहीं कांग्रेस का दक्षिणी दिल्ली में खाता भी नहीं खुला है। कांग्रेस ने यहां पर 2008 में मिली 9 सीटों को भी गंवा दिया है। आप पार्टी को 4 सीटें मिली हैं। पूरी दिल्ली में कुल 12 सीटों में से भाजपा को 5 सीटें मिली हैं। 2008 के मुकाबले उसे 2 सीटों की बढ़त हासिल है। आप पार्टी को 5 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस को यहां पर भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है, जहां उसे सिर्फ 2 सीटें मिली हैं। अगर बात पश्चिमी दिल्ली की करें तो यहां कुल 14 सीटों में से भाजपा को 6 सीटें मिली हैं, जो पिछले चुनाव के मुकाबले 1 सीट ज्यादा है। आप पार्टी को 5 सीटें मिली हैं, कांग्रेस को यहां पर मात्र 2 सीटें मिली हैं, जो पिछले चुनाव के मुकाबले 6 कम हैं। उत्तरी दिल्ली में कुल 14 सीटों में से भाजपा को 7 सीटें मिली हैं, जो पिछले चुनाव के मुकाबले 1 ज्यादा है। आम आदमी पार्टी को 6 सीटें मिली हैं। कांग्रेस को उत्तरी दिल्ली में भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है, जहां उसे सिर्फ 1 सीट से ही संतोष करना पड़ा है और उसे पिछले चुनाव के मुकाबले 6 सीटों का नुकसान हुआ है। अगर मध्य दिल्ली यानी लुटियन दिल्ली की बात करें तो यहां पर कुल 14 सीटों में से आप पार्टी को 8 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 3 सीटें मिली हैं, जो पिछले चुनाव के मुकाबले 7 कम है। भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 2 सीटें मिली हैं, जो 2008 के मुकाबले 1 कम है। अगर हम पूरे दिल्ली को देखें तो भाजपा के खाते में 32 सीटें, आम आदमी पार्टी को 28 सीटें और कांग्रेस को 8 सीटें मिली हैं, जबकि अन्य के खाते में 2 सीटें गई हैं। जाहिर है कि दिल्ली की विधानसभा इस बार त्रिशंकु है, जो इस बात का सबूत है कि जनता भाजपा और कांग्रेस के अलावा अन्य विकल्पों के बारे में भी सोच रही है। दिल्ली में उसे आम आदमी पार्टी के रूप में एक मजबूत विकल्प मिला और उसने इसे एक पहचान दी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।